हेलो दोस्तों, तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग? हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हम भी। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से टाइटल से पता लग गया होगा कि आज की वीडियो कौन सी आने वाली है। तो आप लोगों को मैंने बोला था, क्योंकि आप सब लोग ना बहुत सारे सवाल कर रहे थे मुझसे, कोई इंस्टाग्राम में कर रहा था, कोई यूट्यूब में कर रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं। तो आप लोगों के इतने सारे सवाल आ रखे हैं ना, लगभग 450 सवाल आ रखे हैं यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में अलग से आ रखे हैं, तो हमने सोचा वीडियो बनाते हैं, हमने वही प्लान किया कि आज एक क्यू एंड ए ब्लॉग बनाएंगे हम। बिल्कुल, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर हम वहीं पे देंगे। हाँ, तो अगर किसी का सवाल छूट जाए तो नाराज मत होना। वैसे तो मैं सोच रही हूँ सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो माफ़ कीजिएगा। और ज़्यादातर ना सबके सवाल सिमिलर हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी हर किसी का, तो फिर ऐसे में ना कोई बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया, फिर दूसरा बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया, तो लगभग सेम क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इसलिए मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दूंगी। ठीक है ओके डन। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, आपका नाम। तो मेरा नाम योगेश सिंह भंडारी है, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ब्लॉक थलीसैंड। तो एक सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल गया होगा। हाँ। एक था कि नाम क्या है और दूसरा था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि गांव कहाँ पे, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं गांव में जाती हूँ तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि मेरा ससुराल कौन से गाँव में है। जी बिल्कुल। तो एक एक करके आप लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, करें क्यों स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहला सवाल है कि आपके ससुराल में कौन कौन है, मतलब मेरे इन लॉज में आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो बताइए। तो मेरी फैमिली में है मेरे फादर, मदर। हाँ। मेरे एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। हाँ। और मैं हूँ। और दादा दादी हैं, वो गांव में रहते हैं। वो गांव में रहते हैं। हाँ। दादा दादी और पूरी फैमिली गांव में रहते हैं, ये लोग देहरादून में रहते हैं। चाचा चाची भाई बहन सारे गांव में। हाँ। और एक और सवाल आ रहा था कि जो मेरे जेठ जी हैं, यानी कि आपके बड़े भाई हैं। हाँ। उनकी शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है? नहीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो मना कर रहे हैं अभी, तो अभी इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी, मेरी जेठानी भी, मेरे जेठ जी भी, सब सारे कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल है यहाँ पे, दीदी आप और जीजू की फर्स्ट मुलाकात कैसे और कहाँ हुई थी, बताइए। तो पहली मुलाकात की बात ये थी कि हम पहली बार मिले थे श्रीनगर में। हाँ, श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल में, क्योंकि मेरा कॉलेज वहीं से था और कोई पूछ भी रहा था कि कॉलेज आप लोगों का सेम था। नहीं, कॉलेज हमारा अलग अलग था, मोना थी श्रीनगर में थी, वहाँ पे कॉलेज करी थी। हाँ। मैं कॉलेज कर रहा था देहरादून से, लेकिन जो हमारा HNB है वो यूनिवर्सिटी सेम था। हाँ, यूनिवर्सिटी सेम था, भले कॉलेज अलग अलग था। और एज डिफरेंस क्या है? तो मेरे और मोना के बीच जो एज डिफरेंस है वो एक साल का है। एक साल का डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या? नहीं, पहले से तो नहीं जानते थे। पहले से मतलब सगाई के पहले से बोल रहे हो? हाँ, सगाई से पहले से तो जानते थे ऑब्वियसली। और नेक्स्ट सवाल है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हमारी लव है। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि आप अपना लव स्टोरी का व्लॉग कब ला रहे हो? तो ये सवाल ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम में भी आ रहे हैं और यूट्यूब में भी आ रहे हैं, पर्सनली लोग मुझे व्हाट्सएप में भी भेज रहे हैं मैसेज कि जल्दी जल्दी लव स्टोरी व्लॉग लेके आओ। तो लव स्टोरी व्लॉग में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं सोच रही हूँ कि आफ्टर मैरिज ही हम लोग लव स्टोरी व्लॉग, लेकिन बहुत जल्द आपके बीच पक्का ये व्लॉग हम लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सब लोगों के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, तो इसीलिए। और नेक्स्ट सवाल है कि रोशनी क्या करती है? तो रोशनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अभी फ़िलहाल वो एक कंपनी में जॉब कर रही है। हाँ, रोशनी जिसको नहीं पता है वो मेरी ननद है, इनकी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि मोनिका का ससुराल कहाँ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कौन सा ब्लॉक? मोनिका ससुराल है पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड ब्लॉक। हाँ, नेक्स्ट सवाल आ रखा है यहाँ पे, मोनिका जी आपकी जोड़ी मस्त है और भंडारी जी भी खुश मिजाज है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबको। हाँ, आपको इतने सारे कमेंट आ रखे थे कि आप हैंडसम हो, स्मार्ट हो, क्या बोलना चाहोगे? तो सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सबको। हाँ, और नेक्स्ट सवाल है, दीदी जीजू कौन सी जॉब करते हैं? और जॉब से रिलेटेड इतने सारे सवाल आ रखे थे इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी, बहुत सारे सवाल आ रखे थे, तो आप बताइए आप क्या जॉब करते हैं? अच्छा, तो रही बात जॉब की, तो मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि आपकी सगाई अरेंज है या लव है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि बार बार डबल डबल सवाल आ रहे हैं ना। हाँ। तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आ रखे हैं और डबल ट्रिपल वही सवाल लोगों ने पूछे हुए हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट सवाल है कि आपने अपने घर वालों को कैसे बताया और उनका क्या रिएक्शन था, बताइए। आपने कब बताया था अपने घर वालों को?
मैंने तो अपने घर पे बता दिया था जब हम मिले थे स्टार्टिंग में, तो साल भर के अंदर ही बता दिया शायद मैंने। मैंने भी मतलब जब इन्होंने बताया था उसी टाइम पे मैंने भी अपने घर पे बता दिया था, वो स्टार्टिंग में बता दिया था लगभग, यही मान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाती, चाहे कोई भी बात हो, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को ही बताया था, इनसे बात करवाई थी तो मम्मी को काफी पसंद आए थे। बिल्कुल, तो फैमिली को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट सवाल है कि आप दोनों को साथ में कितने साल हो गए, मतलब जब हम मिले थे, कब मिले थे हम? अच्छा, तो हमें हो गए 2017 में हम मिले थे श्रीनगर में सबसे पहले, 2017 से 2024 लग गया, तो हमें 7 साल हो गए साथ में। सात आठ आठवां साल स्टार्ट है, सात मतलब यही समझ, हाँ 7 साल हो गए हमें साथ में। और बहुत सारे लोग लव स्टोरी ब्लॉग के लिए बोल रहे हैं, वो भी आएगा आराम से, चिंता मत करो आप लोग। और सबसे पहले कहाँ मिले थे, फिर से सवाल आ रखा है, श्रीनगर में मिले थे, श्रीनगर गढ़वाल। लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ, लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ, वही सवाल आ रखे हैं। और एक और सवाल आ रखा है कि आपकी शादी कब होगी, कब होगी शादी? बोल सकते हैं अभी, देखो 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि मेरा भी यही है कि मेरी साइड से भी मैंने बोला अभी 1 साल तो थोड़ा रुकना चाहिए, है ना, 1 साल के बाद करेंगे। नेक्स्ट सवाल आ रखा है यहाँ पे कि मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जब आप भंडारी जी से 7 साल से रिलेशनशिप में थी, तो आपने इतना ड्रामा क्यों किया कि हमें कि मैं सिंगल हूँ, मेरा ये वो सो? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोई भी चीज़ बताने का एक सही टाइम होता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम पहले ही ढिंडोरा पीट लें, किसी भी चीज़ का सही टाइम होता है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब हमारी एंगेजमेंट डेट फिक्स हो जाए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। सही बात है, जिस टाइम उसे हम बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, पहले बताना सही नहीं होता है। हर चीज़ सोशल मीडिया में शेयर करना जरूरी भी नहीं है, जब सही टाइम हो तभी शेयर करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जैसी हमारी एंगेजमेंट डेट फिक्स हुई, एंगेजमेंट के बाद ही मैंने इनको मिलवाया, है ना। मैं चाहती तो पहले ही मिला देती, लेकिन मेरा मानना यही है कि सही टाइम पे ही बताना चाहिए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि आपकी लव स्टोरी के बारे में घर में सबसे पहले किसको पता चला? तो पता चला हमने खुद ही बताया, इन्होंने भी अपनी मम्मी को बताया, मैंने भी अपनी मम्मी को बताया। वैसे सबसे पहले तो मैंने अपनी दीदी को बताया था, याद है, रुचि दीदी। सबसे पहले दीदी से बात हुई थी मेरी, रुचि दीदी से सबसे पहले बात कराई थी, उसको भी पसंद आया, फिर मैंने कहा मम्मी को बताना पड़ेगा, फिर मम्मी को मैंने बताया था। और बाकी और फैमिली मेम्बर को तो एंगेजमेंट के पहले बता दिया था, मतलब उनको पहले नहीं बताया था। बाकी लोगों को तो बाद में सबको शौक लग गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट टाइम कहाँ मिले, बाप रे यही सवाल आ रखे हैं ज़्यादा तो, गढ़वाल श्रीनगर। नेक्स्ट सवाल है कि नीलम कठैत इनका नाम है, सवाल जवाब तो ठीक है, पर इतनी सुंदर जोड़ी है आप दोनों की, भगवान किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगला सवाल क्या है मुना? अगला सवाल है यहाँ पे कि भंडारी जी आपको ब्लॉगिंग में सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो आप लोगों को पता लग रहा होगा, आजकल आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे तो पता लग गया होगा कि कितना सपोर्ट है कितना नहीं है। मुझसे ज़्यादा ये एक्साइटेड रहते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, और यही नहीं, मेरे इन लॉज के जितने भी फैमिली है, मतलब मेरे ससुराल में जितने लोग भी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और रही बात सपोर्ट की, जैसे आप लोग पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे ना कि यार इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए, तो इसलिए शायद लड़का इससे शादी कर रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मुझे YouTube का कुछ भी पता नहीं था कि YouTube कैसे चलाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, तब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन मतलब इन्होंने मुझे बहुत बोला कि यार तू कर कर, मतलब हर दिन अगर मैं एक दिन भी वीडियो नहीं डालती ना, मतलब उस दिन हमारी लड़ाई हो जाती है कि वीडियो क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला। तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। क्या कहना चाहोगे आप, इन फ्यूचर भी रहेगा ये सपोर्ट? बिल्कुल, ये सपोर्ट हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम। हाँ, ये सवाल भी आ रखा था कि इन फ्यूचर भी क्या आपके फियांसे आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सपोर्ट इससे कम तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे ज्यादा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लाइफ टाइम। हाँ, नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि आपके गांव का नाम क्या है? तो मेरे गांव का नाम आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है नारी गाँव, 13 किलोमीटर आगे, और इनका गाँव है थलीसैंड ब्लॉक में, यानी कि मेरा ससुराल है थलीसैंड ब्लॉक में। अभी मैं वहाँ गई नहीं हूँ, मतलब पौड़ी तक मैं गई हूँ बस, पौड़ी से आगे मैं कभी नहीं गई हूँ। इन फ्यूचर जाने का मौका मिलेगा, फिर आप लोगों को भी ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। और भंडारी जी का कहाँ है घर? देहरादून में, तो मैं आप लोगों को लोकेशन नहीं बता सकती हूँ, इन फ्यूचर आप लोगों को पता लग जाएगा जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी होंगे, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ। और दीदी आपकी और जीजू की एज कितनी है? एज तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हमारे बीच 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल का डिफरेंस है, एज गैप। और नेक्स्ट है कि मुझे आपकी शादी में आना है, आपके गांव में बहुत सुंदर है, तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल शादी में इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट सवाल आ रखा है यहाँ पे कि योगेश लोग कितने भाई बहन हैं?
तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, इन्होंने ही बताया था, इनकी एक छोटी बहन है रोशनी जो कि एक बड़ा बड़े भैया हैं जो कि मेरे जेठ हुए। और सवाल भी आ रखा है कि जेठ की शादी नहीं हुई क्या अभी? तो नहीं, जेठ की अभी शादी नहीं हुई है, जब उनकी मर्जी होगी, उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, जब उनकी मर्जी होगी वो शादी करेंगे। और आप लोगों को भी अपनी जेठानी से मिलाऊंगी फिर अगर मैं शादी वाले अगर मतलब हमारी शादी के बाद हुई तो फिर तो पूरे ब्लॉग आएंगे शादी के, बिल्कुल। अगर पहले करते तो फिर अब देखो क्या होता है इन फ्यूचर में, फिर तो मैं मिस कर दूंगी यार शादी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी शादी में आऊँ, इंजॉय करूँ, पूरा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ, है ना। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ रखा है कि आपके रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया है, फिर एंगेजमेंट में इतना टाइम क्यों लगा, और जब आपने अपने घर में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? तो रही बात एंगेजमेंट की, जैसे आप लोग बता पूछ रहे हो कि मतलब रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों को साथ में इतना साल हो गया था, तो हम लोगों ने शादी क्यों नहीं करी टाइम से? तो हम लोगों का, हम दोनों का ये था कि हम अपनी लाइफ में अच्छे से सक्सेस हो जाएं, उसके बाद ही शादी शुदी इस वाले लफड़े में पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है, होती नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम दोनों ने सोचा था कि हम दोनों जब सक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब से हम लोग साथ में थे, हमने तभी डिसाइड कर दिया था कि इन फ्यूचर अगर हम लोग शादी करते हैं तो जब हम दोनों ही सक्सेस हो जाएंगे, चाहे अगर एक हो गया दूसरा नहीं हो तो हम वेट करेंगे, पर जब दोनों ही सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद ही शादी करेंगे। तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी फाइनली दोनों सक्सेस हैं अपनी लाइफ में, कर ही रहे हैं, और अभी और आगे जाना है, तो इसीलिए हमें, इसलिए हमने सोचा कि अब सही टाइम है एंगेजमेंट करने का। और रही बात कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी दीदी को बताया था, मेरी दीदी तो स्टार्टिंग में चिढ़ गई थी, मेरी दीदी ने बोला भयंकर पता नहीं कैसा लड़का होगा क्या होगा, लेकिन जब दीदी ने बात करी, याद है तुम्हें उस दिन की? हाँ, याद है, मुझे अच्छे से याद है। दीदी भयंकर चिढ़ गई थी, ब्लॉग देख दीदी के साथ बात हुई थी मेरी। हाँ, बहुत नर्वस भी हो रखे थे उस टाइम पे कि पता नहीं दीदी को मैं पसंद आऊंगा नहीं आऊंगा, तो सबसे पहले दीदी को ही बताया था मैंने, और दीदी खतरनाक चिढ़ी थी मेरे पे उस दिन को, तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी का तो नॉर्मली रिएक्शन था, मतलब मम्मी ने जब इनसे बात करी तो मम्मी को बहुत पसंद आए, तो मम्मी भी खुश हो गई थी फिर इनसे मिलके। बाकी नेक्स्ट सवाल है कि ससुराल का नाम क्या है, थलीसेन ब्लॉक है जी। और नेक्स्ट सवाल है, जय माँ सुरकंडा देवी, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और पौड़ी गढ़वाल में कहाँ ससुराल है? थलीसेन में है, थलीसेन ब्लॉक। तो मोना अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है यहाँ पे कि मोनिका क्या आप लोग पंडित हो? तो नहीं, हम लोग पंडित नहीं है, मैं भी जजमान हूँ और ये भी जजमान है। जजमान मतलब ये हुआ कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी गढ़वाली भाषा में हम जजमान बोलते हैं। हाँ जी, जैसे पंडित होते हैं उसके बाद होते हैं जजमान जी, तो हम लोग जजमान हैं। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है यहाँ पे कि मोनिका आपने अपनी सगाई में अपनी बड़ी मम्मी को ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया? तो ये बहुत सारे सवाल आ रखे थे। अच्छा। मेरी बड़ी मम्मी आ रखी थी सगाई में, लेकिन वो थोड़ा कैमरा से आई है, वो कैमरे पे नहीं आना चाहती, मतलब उनको शर्म लगती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सपोर्टिव नहीं है कि नहीं नहीं मुझे मत निकालो, बस उन्हें शर्म लगती है, उन्हें बोलना नहीं आता है अच्छे से कैमरे के सामने पे। वैसे तो ऑफ कैमरा हम लोग खूब बातें करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो थोड़ा शर्मा जाता है। हर किसी का अलग नेचर होता है, किसी को पसंद आता है कैमरा में फेस करना, किसी को सही नहीं लगता है, तो वही बात है। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, बेटा मैं मुंबई से हूँ, आपकी वीडियो पहले से देखती हूँ, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी जोड़ी नंबर वन है, और लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों की बेस्ट विशेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए जी। और लव स्टोरी ब्लॉग आएगा, सब्र रखो, सब्र रखो। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, एक सवाल है कि आपकी बड़ी मम्मी क्यों नहीं आती? अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया। आप दोनों की एज कितनी है और क्या काम करते हैं? किस क्लास से, किस एज से लव स्टार्ट हुआ? तो उस टाइम में किस क्लास से स्टार्ट, कॉलेज में थे हम बोल सकते हैं। हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर था, इनका सेकंड ईयर था। हाँ जी।